गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जायंट फेस लिली के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मेरी जायंट फेस लिली है, ये अभी फ्लावरिंग कर रहा है। ये वेरिएटेड वाला जायंट फेस लिली है, जिसे स्पाइटी वाइलम भी बोलते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसे केयर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप इसका जो पॉटिंग सॉइल है उसे हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए। आप इसका वाटरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, लेकिन जब उसका पॉटिंग मिक्स का जो ऊपरी भाग 1 इंच जैसे सूख जाए तब आप इसको वाटरिंग कीजिए। अगर आप इसे प्रॉपरली वाटरिंग नहीं करेंगे तो वो विल्ट हो जाएगा, ये सूखने लगेगा। तो ऐसा हुआ तो ये इसका जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है। इसलिए आप उसको, इसका जो पॉटिंग मिक्स है इसे हमेशा मॉइस्ट रखिए। दूसरा है, ये वेरिएटेड है, इसलिए इसको लाइट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट लाइट मिलता हो। फिर इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, सेंट वो सब मिक्स करके। मेरा पॉटिंग मिक्स में मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल और सेंट लिया हुआ है। फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। ऐसा करने से आपका जो फेस लीली, जायंट फेस लीली वेरिएटेड वाला बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए, मेरा ये जो फ्लावरिंग कर रहा है, ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, ये समर में फ्लावर करते हैं। मेरा इस पौधा को मैंने ऐसी जगह पे रखा है इसको, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा सेट है, ज़्यादा छाया है, इसलिए इसका वेरिएशन इतना अच्छा से नहीं आ रहा है, इसका वेरिएशन ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको फिर से इनडायरेक्ट एरिया में रखेंगे तो इसका वेरिएशन फिर से आने लग जाता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जायंट फेस लिली बहुत अच्छे से प्रॉपर ग्रो करता है। देखिए, ये मेरा दूसरा वाला है, इसको मैंने ऐसा जगह पे रखा है जहाँ इसको प्रॉपर लाइट मिलता है। लेकिन अब इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसका जो लिप्स है वो बर्न हो जाता है। तो इस ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो जायंट फेस लिली वेरिएटेड है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। Okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.